हाय एवरीवन, दिस इज मी अली मिर्ज़ा। वेलकम बैक टू बच्चन अल्लाह। तो अभी आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं आप गेमिंग की आप स्टोरेज कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। जैसा कि आज मेरे पास एक लैपटॉप है, असुस टफ गेमिंग A17 सीरीज का ये लैपटॉप है। जैसा कि आप देख सकते हैं 17 इंच का ये लैपटॉप है। इसका मॉडल नंबर है FA766IC सीरीज का ये लैपटॉप है। मैं आपको बैक साइड से भी इसका मॉडल नंबर दिखा दूंगा। यहाँ से असुस मॉडल नंबर FA766IC सीरीज का ये लैपटॉप है। जो कंपनी डिफॉल्ट इसमें 16 GB रैम 500 GB SSD आया था, तो इसमें आपको स्टोरेज का प्रॉब्लम आ रहा है कस्टमर को यूज करने के लिए। एप्लीकेशन जैसे कि ऑटोकैड, कोरेलड्रॉ, फोटोशॉप, AI यूज करते हैं इसमें, तो 500 GB इसमें सफिशियंट नहीं हो रहा है डेटा स्टोरेज के लिए। तो आज हम इसमें करने वाले हैं 1 TB का M.2 NVMe SSD इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं सेकेंडरी डेटा स्टोर के लिए। ब्रांड है किंगस्टोन का। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो एंड तक जरूर देखे, जाते आते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बिना कोई देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। लैपटॉप के बैक साइड में जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे स्क्रूज है इसके, तो वन बाय वन करके हम सबसे पहले इसके स्क्रूज ओपन कर लेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि इसके स्क्रूज पूरे ओपन हो गए हैं। यहाँ का एक स्क्रू ओपन नहीं होगा क्योंकि तो यहाँ से ओपन करना रहेगा, ये दो कॉर्नर से ओपन करना रहता है। तो अभी हम लैपटॉप को थोड़ा सा ओपन करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एंड कॉर्नर से आपको यहाँ से ओपन करना रहेगा, ये छोटे से ओपनर की मदद से। ओपनर आपको कहाँ से लेने का है, आपको आप नियर बाई शॉप पे अगर मिल रहा है तो वहाँ से ले सकते हैं। तो इसका भी लिंक और इसकी टूल की जो भी है स्क्रू ड्राइवर की, उसका भी मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप जाके परचेस कर सकते हैं। तो लिंक को ओपन करेंगे, स्मूथली इसको ओपन करना रहेगा। ये 17 इंच का लैपटॉप है ये। आप जब भी लैपटॉप ओपन करें ये पकड़ के रहिए, क्यों तो लैपटॉप गिर गया तो आपका स्क्रीन जो है डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं। आप पैनल को क्लोज कर देंगे, तो इसको थोड़ा मोमेंट देते हुए हम इसको ओपन कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको SSD कहाँ पर इंस्टॉल करना रहेगा, तो यहाँ तो कंपनी डिफॉल्ट 500 GB आपको आया है SSD, और एक एक स्लॉट यहाँ पर है NVMe का, तो यहाँ पर हम इंस्टॉल करने वाले। तो उससे पहले आपको क्या करना रहेगा, वो तो यहाँ पर आपको बैटरी का कनेक्टर है, उससे पहले आप बैटरी का कनेक्टर रिमूव कर लीजिए। ये पकड़ के आप बैक साइड में इसको प्रेस करके तो ये कनेक्टर निकल जाएगा। अभी ये सेफ साइड है, अभी हम इसमें इंस्टॉल करेंगे 1 TB का NVMe SSD। अभी हम इसको ओपन करेंगे, ये 1 TB का M.2 NVMe SSD है किंगस्टोन का। ये सेकेंडरी स्पेस में हम ऐड करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ का स्क्रू जो यहाँ पर फिक्स होगा, जो मैं इसका स्क्रू है छोटा तो SSD लॉक करता है, मैं यहाँ से इसको ओपन कर लूँगा फर्स्ट। उसके बाद हम इसमें इंस्टॉल करेंगे SSD। मैं आपको पोजिशन में बता रहा हूँ KGB कैसा इसका रहेगा लगाने का। आप यहाँ पर लगा के इसको अंदर प्रेस करिए, ये यहाँ पर प्रेस हो गया है। उसके बाद आपको नीचे डाउन साइड में आपको प्रेस करके यहाँ पर आपको इसका स्क्रू लगाना रहेगा। यहाँ पर हम इसका स्क्रू भी लगा देंगे। ये हमारा SSD सक्सेसफुली इसमें इंस्टॉलेशन हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना रहेगा वो तो वापस की पोजीशन में आइए, इसका बैटरी कनेक्टर निकालेंगे, वापस से हम इसका बैटरी कनेक्टर लगा देंगे इधर, तो बैटरी कनेक्टर भी लॉक हो गया है। ये बहुत इजी स्टेप है, आप घर बैठे आराम से कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और रैम का भी दे दिया गया है आपको। रैम भी वहाँ से परचेस कर सकते हैं आपको, ये 3 ईयर्स वारंटी के साथ आएगा आपको ये। अभी हम इसको कर देंगे वापस से पैक, तो आपको प्रेस करना रहेगा ये लॉकिंग सिस्टम। उसके बाद इसके लगाने का है इसको। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि हमने आपको बताया है इस वीडियो में कैसा आप लैपटॉप ओपन कर सकते हैं, कैसा इसमें SSD इंस्टॉल कर सकते हैं सेकंड स्लॉट में। जो कंपनी डिफॉल्ट आया था इसमें 16 GB रैम 500 GB इसमें SSD आया था, और सेकेंडरी इसमें ऑप्शन था कि इसमें और हम 1 TB ऐड करें हैं M.2 NVMe किंगस्टोन का SSD। इसमें इंस्टॉल कर सक्सेसफुली इसमें इंस्टॉल हो गया है, इसमें हम फिक्सिंग भी कर दी। आपको इस वीडियो में बताया गया कि बहुत ही इजी स्टेप है, आप घर बैठ के आराम से अपने लैपटॉप में अपग्रेड कर सकते हैं SSD। आपको इस प्रोडक्ट का भी लिंक आपको SSD का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से SSD भी परचेस कर सकते हैं। रैम का भी दिया गया है 8 GB रैम, 16 GB रैम का भी आपको वहाँ पर लिंक दिया गया है, वहाँ से परचेस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, जितना हो सके अपना शेयर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं।